गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश यादव ने बृहस्पतिवार को सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर शिक्षकों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी चुनावी रणनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस संबंध में डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया कि चुनाव मैदान में आने के बाद हर जनपद में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों से संवाद स्थापित कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज गोरखपुर पहुँचा हूँ और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और तमाम शिक्षक नेता और शिक्षकों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के लिए चर्चा कर रहा हूं। चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ना, उनको उनका अधिकार दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय संरक्षक ने प्रेस किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन जा करके रामपुर में रहे हैं और अभी समाजवादी पार्टी के स्वयं में बहुत बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है। उसमें हम लोग जितना भी कर सकते हैं एक परिवार की तरह, वो मीडिया अलग तलग दिखा रही है जो मीडिया दिखाना चाह रही है। हम जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह नेता जी के साथ के नेता हैं, उनकी बहुत इज्जत है समाजवादी पार्टी में। आज की प्रेस वार्ता का विषय है कि विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद में शिक्षक हितों की बात को मजबूती से रखने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से, जिसके संबंध में हमारी गोरखपुर जनपद की आज आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रहलाद यादव जी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं और नेताओं साथियों की बैठक बुलाई गई है, जिस संबंध में हम सभी लोग मिलकर हमारे क्षेत्र के जितने भी शिक्षक साथी इसमें वोटर के पात्र हो सकते हैं उनको सारे नियम कानून बताए जाएंगे और समस्त शिक्षकों को वोटर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हम लोगों की जो विशेष रणनीति है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, क्योंकि अभी तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी और जितने भी संघ या पार्टियों के लोग चुनाव लड़ते थे, उन लोगों की जो रणनीति रहती थी मात्र केवल माध्यमिक शिक्षकों के बीच में ही चुनाव हो जाता था। जैसे मान लीजिए हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गोरखपुर फैजाबाद में 17 जनपद आते हैं और इसमें अगर शिक्षकों की संख्या देखी जाए तो लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख होगी, लेकिन मात्र 1 लाख के अंदर ही वोटर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं और उसी में छद्म चुनाव किसी न किसी MLC का हो जाता है। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है हम लोगों को कि जितने हमारे शिक्षक साथी, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षक उच्च शिक्षा के हों, डिग्री कॉलेजों के आदरणीय गुरुजन लोग हों, या टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स, या मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स, या माध्यमिक शिक्षकों के अलावा जितने भी लोग शिक्षक वोटर्स रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते थे, उन सभी लोगों को रजिस्टर्ड कराया जाएगा और सब ताकि सबकी समान सहभागिता इस चुनाव में हो सके, इस प्रकार हम लोग के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। शिक्षकों के लिए हित के लिए क्या एजेंडा है? शिक्षकों के हित के एजेंडे के लिए तो आप सब लोगों को विदित है कि पूर्व में भी समाजवादी सरकार ने ही शिक्षकों के जितने भी हित के काम सरकार द्वारा किए गए हैं वो समाजवादी सरकार के अलावा अन्य किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। समाजवादी सरकार के काम गिनाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि भी आप लोगों का घंटों समय इसमें बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तभी मैं कुछ कुछ बिंदु बता सकता हूँ कि जैसे आपके विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते थे, मात्र वो कुछ सैकड़ों की मानदेय पर रखे जाते थे, जिसका विनियमितीकरण हमारी समाजवादी सरकार ने किया, ठीक। और अभी देखिए जो इसमें अंशकालिक शिक्षक होते थे उनका विनियमितीकरण हमारी समाजवादी सरकार ने किया, और जितने भी अनुदान सूची में विद्यालय लिए गए, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हों, माध्यमिक विद्यालय हों, या मदरसे बोर्ड के विद्यालय हों, सबको अनुदान सूची में लेने का कार्य केवल और केवल समाजवादी सरकार ने किया है, और आज तक किसी भी सरकारों ने इस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में सोचने का काम नहीं किया है। सोचने के लिए शिक्षा के विषय में अन्य सरकारों को या मौजूदा सरकार को शिक्षा के विषय में सोचने का समय ही नहीं है। 150 या 200-400 रुपए में पढ़ाते हैं, उनको हमारी पिछली सरकार जब समाजवादी की थी तो उसमें 200 करोड़ रुपए का एक मुश्त मुआवजा नहीं मानदेय उनको देने का काम हमारे समाजवादी सरकार ने किया।